Good morning, students. How are you? Fine. Let us start the 6th standard science. Our chapter is chapter number 11, light, shadow and reflection. Part number 1 and 2 we have already completed. Let us start the third part of the chapter. Open your books, page number 108. So today we will start characteristics of a shadow. Yesterday we have done an activity number 6 जो है हमने complete करी थी कि the size of the shadow depends on the distance between the source of light and the opaque object. अगर source of light और opaque object के बीच में दूरी कम है तो क्या होगा, आपका जो ये बनेगा shadow वो बड़े size का होगा और जितनी दूरी ज़्यादा होगी shadow का size उतना ही छोटा होता जाएगा. Now characteristics of a shadow. Shadow के characteristics कौन से हैं? Shadow is always dark, regardless of the color of the object or color of the light used to make the shadow. Shadow का color हमेशा dark होगा, चाहे आपने object का color कोई सा भी हो या आपकी light का color कौन सा भी हो. माने हमारे पास में दो चीज़ होती है, एक source of object, सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट. तो चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कोई सा भी हो, चाहे सोर्स ऑफ लाइट का कलर कोई सा भी हो, शेडो ऑलवेज विल बी डार्क इन कलर. फिक्स एंड फाइनल. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इट ओनली शोज द डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नॉट द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट शोज द डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डार्क आउटलाइन को शो करती है और डिटेल, उसको ऑब्जेक्ट का डिटेल नहीं बताती है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो कौन कौन से हो गया? इट इज ऑलवेज डार्क, नंबर वन ऑलवेज डार्क, नंबर टू शोज आउटलाइन, क्या है, shows the dark outline of object, shows the dark outline of the object. Object की केवल dark outline जो होता है वो show करता है. Third आपका point आप देखिए क्या कह रहा है, इट इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. इट इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, जिस सोर्स ऑफ लाइट का जो सोर्स है वो जिस डायरेक्शन से आपकी आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका शेडो बनता है. इट फॉर्म्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फॉर्म्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. ये जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका शेडो बनता है. नंबर फाइव है, साइज ऑफ अ शेडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट. यानी कि साइज ऑफ द शेडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स, नंबर वन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन एंड नंबर टू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट. नंबर फाइव है शेप एंड साइज ऑफ द शेडो ऑलवेज वेरीज विद द पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो है शेप और साइज शेडो का अलग अलग होता है. एग्जाम्पल है, ओवर शेडो इन सनलाइट चेंजेस इन द लेंथ एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे एज सन चेंजेज इट्स पोजिशन इन द स्काई. दिन में जैसे जैसे सन की पोजिशन चेंज होती जाती है वैसे वैसे हमारी शेडो की पोजिशन भी चेंज हो जाती है, हमारी शेडो का दो चीज़ें शेप और साइज चेंज हो जाता है. समटाइम शेडो कैन ऑल्सो भी मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. वी कैन यूज अवर फिंगर्स टू फॉर्म इंटरेस्टिंग शेडो रिजेंबलिंग द शेप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन द वॉल ऑफ ए डार्क रूम बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प. देखिए इलेक्ट्रिक लैम्प का इस्तेमाल करके भी कई बार हम लोग क्या करते हैं, शेडो बना सकते हैं. देखिए आपका 11.14 है फॉर्मेशन ऑफ शेडो, ये इस तरह से देखिए.
व्हाटएवर भी, ये कुछ आपका मैटर नहीं है। अच्छा, ये आपने जो एक देखा है कि वन गर्ल इज स्टैंडिंग, और ये आपके बहुत सारे जो है वो देखिए, ये गर्ल है, ये सन की पोजीशन है, और यहाँ पर आपकी शैडो है। तो शैडो देखिए, जब आपके हेड के ऊपर जस्ट सन है तो उसके अंदर शैडो आपकी छोटी है, जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती जा रही है वैसे वैसे शैडो आपकी लंबी होती जा रही है, ठीक है। तो आप देखिए सन की पोजीशन देखिए और आपकी पोजीशन देखिए, कितना लंबाई उसके अंदर चेंज आ रही है। तो यानी कि शैडो की जो पोजीशन होते हैं ना, द लेंथ ऑफ अ शैडो चेंजेस विद द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सन। सन की पोजीशन चेंज होने के साथ में शैडो की जो लेंथ है उसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है। अब आता है आपका पिन होल कैमरा। तो वी कैन सी द इमेज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग अ पिन होल कैमरा। एक पिन होल मतलब उसमें होल होता है पिन के बराबर, इसीलिए हम उसे कहते हैं पिन होल कैमरा। तो उसके द्वारा हम बहुत सारे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका साइज देख सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। किस बेस पे काम करता है ये? मेन जो आपका लाइट का है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इस फिनोमिना के ऊपर ये पिन होल कैमरा आपका वर्क करता है। तो सबसे पहले मेथड में देख लीजिए आप। सबसे पहले तो इसका बॉक्स देख लीजिए, ओके, वॉच दिस, हो गया। टेक अ मीडियम साइज कार्डबोर्ड बॉक्स, शू बॉक्स कैन ऑल्सो बी यूज। यानी कि आप मीडियम साइज का एक बॉक्स ले लीजिए, जो अभी तो बहुत सारी दिवाली की सेल लग रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है आपके घर पे, तो शूज़ बॉक्स ले लीजिए। अब आपने एक शूज़ बॉक्स ले लिया, उसके बाद में कलर द इनसाइड ऑफ द बॉक्स विद ब्लैक पेंट और कलर, काला कलर का अंदर से कर दो उसको पूरा आपने काला कर दिया। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल टेक अ टाइनी होल ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स। देखिए कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसका एक साइड में आपने पिन से लेके अंदर का पोर्शन आपने काला किया, बाहर कुछ नहीं किया, बाहर तो आपने एज इट इज छोड़ा। एक पिन लेके आप उस पर होल कर दीजिए अच्छा सा। कट द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑन द साइड ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स ऑपोजिट टू द वन और विच पिन होल हैमरा। बस पहले जहाँ आपने पिन होल हैमरा पिन से एक होल किया है उसका ऑपोजिट वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कट बनाएंगे उसके अंदर बड़ा सा, उसको रेक्टाएंगुलर पोर्शन जो होता है उसका काट लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, कवर दिस रेक्टाएंगुलर पोर्शन विथ ग्राउंड ग्लास और बटर पेपर शीट। ग्राउंड ग्लास या बटर पेपर शीट यानी कि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, उसी से आपने उसको कवर कर दिया। स्टिक द पेपर शीट विद द एडहेसिव टेप, उसको आप टेप से चिपका सकते हैं, और ये पेपर की जो शीट है वो क्या करेगी, इट विल वर्क्स एज अ स्क्रीन, एक स्क्रीन की तरह कार्य करेंगे। आवर पिन होल कैमरा इज नाउ रेडी टू सी इमेज। अब हमारा कैमरा जो है वो बिल्कुल तैयार है किसी इमेज को देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द पिन होल कैमरा। तो हमने पिन होल कैमरा तो तैयार कर लिया। अब आप देखिए, कवर प्लेस अ कैंडल ऑन अ टेबल एंड लाइट इट विथ अ मैच स्टिक। आप एक, पहले हमने पिन होल कैमरा बनाया था, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपने कैंडल बर्न किया है, कैंडल को लाइट किया है और उसके बाद में उसको रख दिया। तो लाइट द कैंडल एंड प्लेस इट, प्लेस द पिन होल कैमरा अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम द लाइटेड कैंडल विद द साइड हैविंग द पिन होल कैमरा आर फेसिंग। यानी कि इस तरह से, जैसे ये मेरा कैंडल है बर्निंग कैंडल और ये मेरा पिन होल कैमरा का, ये सपोज करिए एक मिनट, ये देखिए ये मेरे पिन होल कैमरा का हो रहा है, बाकायदा इसको बॉक्स समझिएगा आप, और ये मेरी लाइटेड कैंडल है। तो इसको कुछ दूसरी मतलब छेद से, अगर मैं छेद से देखूं या उधर की स्क्रीन से देखूं तो मुझे बाकायदा इसकी फ्लेम दिखनी चाहिए इस तरह से। मूव द पिन होल कैमरा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सो दैट वी गेट द क्लियर इमेज ऑफ द कैंडल फ्रॉम कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन। अब उस क्या पिन होल कैमरा का जो होल है उसको हम थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो स्क्रीन थी हमारे पास में पीछे, उस स्क्रीन से हमें कैंडल की फ्लेम इजीली जो है प्रॉपर तरीके से दिखाई दे सके। अ लाइट रे फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैंडल फ्लेम ए फॉल्स ऑन द पिन होल कैमरा। देखिए मैं आपको इसको जो है ना पिन होल कैमरा की उससे ही बताऊंगी।
देखिए 5 मिनट वेट करिए। देखिए ये आपका स्क्रीन का वो है, जो हमने स्क्रीन तैयार की थी वो है। उसके अलावा ये आपका पिन होल है, ये आपकी लाइटेड कैंडल है। जब लाइटेड कैंडल हमने रख दी उसके अंदर, तो ए लाइट रे फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रेम ए फॉल्स ऑन द स्क्रीन एट ए डैश। यहाँ से एक लाइट रेज ए निकलती है जो स्क्रीन के ऊपर नीचे ए डैश पर जाके गिरती है। उसके बाद में अनादर आफ्टर पासिंग थ्रू द पिन होल कैमरा, यानी कि पिन होल कैमरा से होती हुई ए से निकलती है कैंडल फ्रेम के टॉप से, पिन होल कैमरा से होती हुई ये ए डैश पे जाती है। उसके बाद में दूसरी जो लाइट रे निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वो बॉटम जो लाइटर कैंडल है उसकी फ्लेम के बॉटम से निकलती है बी से, पिन होल कैमरा में से होती हुई ये उसके ऊपर वाले पोर्शन पर, स्क्रीन के ऊपर बी डैश वाले पोर्शन पर ये गिरती है। यानी कि अ लाइट रे फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैंडल फ्लेम ए फॉल्स ऑन द स्क्रीन एट ए डैश आफ्टर पासिंग थ्रू द पिन होल ए एच, अ रे फ्रॉम द बॉटम फॉल्स एट बी वन, सिमिलरली रे ऑफ लाइट फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द कैंडल फ्लेम फॉल्स ऑन द स्क्रीन आफ्टर पासिंग थ्रू द पिन होल। यानी कि कैंडल फ्लेम से निकलने वाली जो भी रेज है वो पिन होल कैमरा से गुजरती है और स्क्रीन पे जाती है। तो टुगेदर दीज रे ऑफ लाइट मेक अप द इमेज बी डैश ए डैश, और इस तरह से दोनों मिलकर एक इमेज बनाती है जो बी डैश ए डैश है। और क्या है वो ए बी जो है कैंडल, उसकी कैंडल की जो फ्लेम है ए बी उसकी इमेज है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड, यहाँ पर जो हमको स्क्रीन के ऊपर इमेज मिल रही है वो कैसी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब अपसाइड डाउन। देखिए यहाँ पर पॉइंटेड वाला साइड ऊपर है, यहाँ पॉइंटेड वाला साइड नीचे है, यहाँ पर बॉटम पे जो है वो चौड़ा है वाइडर पोर्शन है, यहाँ पर जो है टॉप पे वाइडर पोर्शन है। तो मीन्स दिस इज द अपसाइड डाउन, यानी कि इन्वर्टेड पोजिशन है। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉल, जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है आपकी, छोटी बन रही है। वेन द साइज ऑफ द पिन होल इज बिगर, अगर पिन होल का जो होल है उसका बिगर साइज होगा बड़ा होगा, देन मोर देन वन रे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एंटर द पिन होल कैमरा, उस पिन होल कैमरा से अगर एक से ज़्यादा जो रेज निकलेंगी ड्यू टू दिस टू और मोर इमेजेस मेड ओवरलैप, दो या दो से ज़्यादा इमेजेस बनेगी और वो क्या करेगी, इमेज तो वहीं बननी है तो वो ओवरलैप करेगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, एंड दिस में डिफ्यूज्ड और ब्लर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए जो पिन होल कैमरे का होल होता है वो सिर्फ पिन होल वाला ही होना चाहिए, यानी बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब यूजेज ऑफ पिन होल, पिन होल कैमरे का क्या यूज होता है, द पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू सी सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक ट्री और बिल्डिंग, किसी दूर खड़ी बिल्डिंग को या पेड़ को देखना है तो हम पिन होल कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सी द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट सनलाइट, बहुत ज़्यादा सनलाइट बहुत तेज होती है तो उस वक्त में लोग रोड पे जा रहे हैं या व्हीकल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। दूसरा है द पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू सी सोलर इक्लिप्स, जो सोलर इक्लिप्स होता है ना जिसको बोलते हैं हम सूर्य ग्रहण, तो उसको देखने के लिए भी पिन होल कैमरे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पिन होल कैमरा इन नेचर, देखिए आपको मालूम है कि पिन होल कैमरा जो होता है वो नेचर में भी मिलता है, प्रकृति में मिलता है। कैसे मिलता है, व्हेन वी सी अराउंड द स्पॉट ऑफ लाइट, व्हेन वी सी अराउंड राउंड स्पॉट ऑफ लाइट
इन द शेड ऑफ ए ट्री, कभी पेड़ की धूप बहुत तेज हो रही है और पेड़ की छाया में से निकल के जाइए पास में से, तो वहाँ रोड पे आपको क्या करेंगे, गोले गोले दिखाई देंगे, राउंड स्पॉट्स दिखाई देंगे लाइट के, वो क्या है, एक्चुअली दे आर द पिन होल इमेज ऑफ द सन, सूरज की पिन होल इमेज है। कैसे है, द गैप बिटवीन द लीव्स, जो पिन पत्तियां हैं पेड़ की उसके बीच में गैप होता है, वो गैप क्या करता है, पिन होल का काम करता है एक, और दीज गैप बिटवीन द लीव्स आर ऑफ इररेगुलर शेप, जितना गैप होता है, जैसे पिन होल कैमरे से तो जो हमने शेप बनाया था वो क्या बिल्कुल पिन के लाइक के होल बनाया था, लेकिन यहाँ पर तो इररेगुलर शेप के है, बट द वी कैन सी सर्कुलर इमेज ऑफ द सन, है ना, ऑन द ग्राउंड, लेकिन हमको ग्राउंड के ऊपर क्या मिलता है, सर्कुलर इमेज मिलती है। तो ये क्या है, ये पिन होल कैमरा है आपका, एक नेचर में प्रकृति से बनाया हुआ पिन होल कैमरा। तो पेज नंबर आ गया 110, शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डार्क, पे करिए सी ब्लैक या डार्क। नंबर 2, पिन होल कैमरा इज बेस्ड ऑन द, किसके अंदर, रेक्टिलिनर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टाएंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, सर्कुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, नन ऑफ दिस। देखिए लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ए विल बी राइट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। Okay, tomorrow we will continue the chapter. Stay at home and be safe.